चलिए टेस्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। तीन चार दिन से बारिश हो रही है, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा है और बारिश के मौसम में लगता है कुछ स्पाइसी सा खाने का मन करता है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना डिनर में पंजाबी छोले बनाए जाएं। तो आप में से किस किस को छोले पसंद हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी बहन को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलते हैं फिर बनाते हैं किचन में चल के पंजाबी छोले। आज हम बनाने वाले हैं जो छोले, तो उनके इंग्रेडिएंट्स मैं दिखा देती हूँ। ये है काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जीरा, लौंग, तेज़पत्ता, और ये है पेस्ट उसका प्याज और टमाटर का। टमाटर मैं सीमे ही पीस लेती हूँ, साथ में ही भुन जाता है, अलग से पीसने की ज़रूरत नहीं है। आप टमाटर प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्यूरी यूज़ नहीं करती, फ्रेश टमाटर ग्राइंड कर लेती हूँ। यह है गरम मसाला, बाकी नॉर्मल मसाले, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा अमचूर चाहिए होगा हमें, और चाहिए होगा छोले मसाला। चने में पहले ही बॉईल कर चुकी हूँ, कि सिर्फ नमक डाला है मैंने इसे बॉईल करने के लिए। आप बस मैं नमक डाल के ही बॉईल कर लेती हूँ, सारी चीज़ें बाद में जब भूनूंगी मसाला तब दिखाऊंगी। मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ पहले थोड़ा सा तेल। अब मैं डाल देती हूँ गरम तेल में पहले थोड़ी सी हींग डालूंगी, दो पिंच के करीब। मैं हींग अमूमन हर चीज़ में ही डालती हूँ। फिर मैं डाल दूँगी तेज़पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा, एक बड़ी इलायची, क्योंकि छोले मेरे कम हैं इसलिए मैं एक ही डाल रही हूँ, दो टुकड़े दालचीनी के, तीन काली मिर्च, दो छोटी इलायची और तीन डाल रही हूँ मैं लौंग। इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें प्याज, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, करीब एक बड़ा चम्मच। अब मैं इसको भून लूंगी। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। मसाले के लायक ही थोड़ा सा डालेंगे हम नमक, क्योंकि नमक हम ऑलरेडी छोलों में डाल चुके हैं, तो थोड़ा सा मसाले के फ्लेवर के लिए डालेंगे। थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ, थोड़ी सी हम डालेंगे हल्दी, हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि इसको अच्छे से भुन जाए, वरना ये जो सूखे मसाले हैं वो जल जाते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पिसा हुआ, जो होममेड में डालती हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी एक बड़ा चम्मच भर के छोले मसाला और इसको अच्छे से भून लूंगी। हमने इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि हमें अभी इसको तड़का भी लगाना है, पंजाबी छोले में तड़का तो मस्ट है। तो हम अभी किनारे से देख सकते हैं ऑयल हल्का हल्का सा अलग हो रहा है, इसका मतलब मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें अपने छोले मिक्स कर देते हैं। छोले मिक्स करने के साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूंगी। और छोलों को बॉयल लाने दूंगी, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि टेक्सचर अच्छा सा हो जाए।
पानी ऐड करने की ज़रूरत हमें लग नहीं रही है, एक बॉईल करके ये रेडी हैं। अगर आपको पतले रखने हैं तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़े गाढ़े ही बना रही हूँ तो मुझे इसमें नहीं ज़रूरत लग रही है। सेमी ड्राई टाइप के रहेंगे ये। अगर आपको थोड़ा और तरल चाहिए तो फिर आप इसमें और पानी ऐड कर लीजिए। चोलों में हमारे बॉयल आ गया है, देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है इनका, बहुत अच्छा सा, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब हम इसको फाइनल टच देंगे, जो इसकी जान है, जो इससे इसमें समझिए एक जान आ जाएगी और टेस्ट इसका इतना डेवलप हो जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का बनाने के लिए मैंने पैन में ले लिया है घी। घी में मैं डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन, और कटा हुआ अदरक, और मैं डालूंगी इसमें दो कटी हरी मिर्च, मतलब कटी नहीं है, मैंने बस फाड़ ली है। और इसकी खुशबू अभी से ही बहुत ही अच्छी आ रही है, इसमें डालने के बाद तो और भी अच्छी जाएगी सारे मसालों के साथ मिलकर। ये डाल देती हूँ मैं इसमें तड़का, और तैयार है हमारे टेस्टी से स्वादिष्ट से पंजाबी छोले। इनकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है अभी भी कि मैं क्या ही बताऊं, मन कर रहा है कि आप काश इसको फील कर पाते हो, और इसकी खुशबू से ही ऐसा लग रहा है कि सारे खा जाओ बस। अब हम लगा लेते हैं अपनी प्लेट। आप छोलों को कैसे खाना पसंद करते हैं बताइएगा, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, भटूरे के साथ। मैं अभी राइस के साथ खाने वाली हूँ, राइस के साथ मुझे छोले बहुत पसंद हैं। भटूरे में खाना अवॉइड ही करती हूँ, मुझे भटूरा इतना पसंद नहीं है। ये निकाल लेते हैं हम अपने टेस्टीस्ट यमीएस्ट से छोले। आपको मेरी रेसिपी और मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अमेजिंग छोले हैं, अमेजिंग रेसिपी है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो बना लिए मैंने छोले, खा के देखते हैं। मुझे छोले चावल बहुत पसंद हैं, चलिए टेस्ट करते हैं। मज़ा आ गया, आप भी ज़रूर बना के देखिए, आपको भी ऐसे ही मज़ा आएगा। अदरक का जो एक हल्का सा क्रंच आता है इसमें, मुझे तो बस मज़ा ही आ जाता है उसमें, और देसी घी का खुशबू, मसालों का फ्लेवर, ये समझ लीजिए कि बस अगर ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो, ब्लॉग पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो न्यू व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं जल्दी जल्दी खाने वाली हूँ पूरा, आप लोग भी जल्दी जल्दी अपना डिनर ख़त्म कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, खुदा हाफिज़, गुड नाइट।